बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन मटन सूप बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत इजी और बहुत जल्द बनने वाला है। उसके अंदर यह है कि आधा किलो गोश्त, 8 कप पानी, 3 अंडे, 1 चाय के चम्मच काली मिर्च, 1 चाय के चम्मच नमक, हाफ कप गाजर, हाफ से कम कप शिमला मिर्च और 1 कप बंद गोभी, और ये 4 चम्मच, 4 से ज़्यादा चम्मच कॉर्नफ्लावर। जो इसमें सॉसेज जाएंगे वे 1 खाने का चम्मच सिरका, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस। चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने डाल दिया, साथ ही मैं 8 कप पानी डाल दूँ। नीचे चूल्हा मैंने जला दिया और अब ये 8 कप मैंने पानी डाल दिया, और साथ ही मैंने 8 कप पानी और गोश्त डाल दिया। साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी और इसे गलने के लिए रख दूंगी, और फिर बाद में मैं आपको रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट के लिए गलने देना है ताकि गोश्त देशे देशे हो जाए। 25 मिनट हो चुके हैं, अब इसे खोल के देखते हैं कि गोश्त हो चुका है। ये देखें, गोश्त देशे देशे हो गया। गोश्त को अब हम निकाल लेते हैं और साथ में यखनी को मैं अच्छी तरह छान कर फिर रेसिपी को आगे कर लिए। यखनी को दोबारा मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया, नीचे चूल्हा जला दिया। अब इसमें सारी वेजिटेबल डाल देंगे और 5 मिनट के लिए गलने देंगे। सब्जियों को तकरीबन डाल के और 5 मिनट के लिए गलने देना, इससे सब्जियां बहुत जल्दी गल जाती हैं। और साथ ही ये काली 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, और साथ ये चिकन भी चला जाएगा। अब इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए मैं ढक के पका लेती हूँ ताकि जो वेजिटेबल वो नरम हो जाए और गल जाए। अब इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डालकर मैं कॉर्नफ्लोर को घोल के रख लूँगी, और साथ ही इसमें अंडे भी ऐड करूँगी फेंट कर, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह घोल लेना ताकि इसमें कोई लम्ब ना रहे। अच्छी तरह जब अच्छी तरह घोल लेंगे ना तो उसमें कोई लम्ब वगैरह नहीं रहेगा, और साथ में फिर हम ये तीनों चीज़ें भी उसमें ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तब मैं ढक्कन का हम हो चुके हैं, तकरीबन सब्जी वेजिटेबल भी नरम हो चुकी हैं। अब ये सॉसेज हैं, ये डालते हैं, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस और 1 खाने का चम्मच सिरका। और अब ये कॉर्नफ्लोर डाल, इसकी टेक्निक ये है कि एक धार बना के आपने डालना है ताकि इसके लम्ब ना बने। वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। और अच्छी तरह इसको घुमाना है ताकि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, बिल्कुल बाहर जैसे आप खाने जाते हैं। और आप इसकी शक्ल ही नज़र आ रही होगी, आप इसकी शक्ल ही बता रही होगी कि ये बिल्कुल रेस्टोरेंट रेसिपी है। और साथ ही अब हम इसके अंडे भी आए, साथ ही अंडे, ये 3 अंडे थे जिन्हें मैंने फेंट लिया अच्छी तरह। अब इसको एकदम नहीं चलाना, थोड़ी सी देर इसको रेस्ट देना है ताकि वो अच्छी तरह पक भी जाए और इसके ताकि इसमें अंडे का मज़ा आ जाए बिल्कुल। अब हल्का हल्का आपने इसको ऐसे चलाना है, ये देखें बिल्कुल इसके लम्स बन गए। जब आप इसको खाएंगे तो या पिएंगे जो भी, हर बाइट में अंडे की टेस्ट आएगा। ये भी एक टेक्निक है, नहीं तो वैसे भी डाल दो जल्दी से तो वो भी बन जाता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ी थोड़ी सी टेक्निकें होती हैं जिनसे सूप बनना बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। और नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको हल्का तेज़ लगे वो आप ऐड कर सकते हैं, वो अपने टेस्ट के मुताबिक है। कोई कुछ लोग हल्का खाते हैं, कुछ लोग तेज़ हैं, इसलिए मैंने ज़रा लाइट ही रखा है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। क्योंकि सॉसेज में, सोया सॉस में भी नमक होता है, इसे नमक ज़रा ध्यान से डालिएगा। अभी हमारा सूप बिल्कुल तैयार है,
अब हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। रहीम, ये चिकन सूप तैयार है बिल्कुल, और इसके साथ तीनों सॉसेज हैं, ये सोया सॉस, चिली सॉस, और ये सिरके में दो या एक हरी मिर्च भी काट कर, ये भी बहुत टेस्ट रहती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनता है। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।